ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16th करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर का, विच इज़ ए एम एंड पी एन. ये हमें परपेंडिकुलर्स दिए गए हैं ऑन बी सी एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली. इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, एंड सेकेंड इज ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. तो जैसे हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें ए एम एंड पी एन जो है वो हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं ऑन बी सी एंड क्यू आर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें हमें दी हुई है ए एम विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एंड देन द क्वेश्चन ट्राइंगल इज पी क्यू आर, और इसके ऊपर हमारी परपेंडिकुलर है पी एन तो ऑन क्यू आर. तो हमें ये दिया हुआ है, गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के. तो इसका मतलब कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ये फर्स्ट ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के. ऐसे ही जो ये ए बी साइड होगी वो पी क्यू साइड के इक्वल होएगी, बी सी जो है वो क्यू आर के, एंड ए सी जो है वो पी आर के इक्वल होएगी. तो हमें फर्स्ट प्रूव ये करना है, सी ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर. ए एम सी, ए एम सी जो है वो सिमिलर प्रूव करना है पी एन आर के. तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे ए एम सी एंड पी एन आर, क्योंकि ये एंगल एम और एंगल एन दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, एंगल एम एंगल एन के इक्वल होगा ईच 90. और ए सी जो है ये वाली साइड जो है वो पी आर के इक्वल है, हमने यहाँ पे करिए ए सी इज इक्वल टू पी आर, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द अबव. तो ये ट्राइंगल जो है ए एम सी वो हमारा सिमिलर हो जाएगा पी एन आर के. तो हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव. सेकेंड पार्ट इज ए एम, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. तो इसके लिए क्योंकि हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो ये हमें प्रूव करना है कि ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. तो एरिया जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के वो सेम होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. तो आप देखो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए एम. ऐसे ही पी क्यू आर ट्राइंगल में हाफ बेस क्या है क्यू आर इंटू परपेंडिकुलर है पी एन. तो ये हाफ ऑफ दोनों में है वो कट जाएगा, बच गया बी सी इंटू ए एम इज इक्वल टू क्यू आर इंटू पी एन. तो ये बी सी है, यहाँ पे मैं क्यू आर नीचे ले जाऊँगी, यहाँ पे पी एन है और ए एम इधर आ जाएगा, और इसको मैं रिवर्स कर दूंगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम 15th क्वेश्चन करेंगे. ओ इज एनी पॉइंट इन साइड अ स्क्वायर पी क्यू आर एस, प्रूव दैट ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर. तो ये हमारा स्क्वायर है पी क्यू आर एस, और ओ कोई भी पॉइंट है इन साइड द स्क्वायर. तो हमने ऐसे लाइन्स लगा दी हैं जैसे पी ओ एंड ओ आर एंड ओ क्यू एंड ओ एस. तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, एक एम एन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होएगी पी एस के, और वो लाइन पैरेलल होएगी क्यू आर के. ओके, तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल एस ओ एन, एस ओ एन ये छोटा सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, ओ एस स्केयर इज इक्वल टू ओ एन स्केयर प्लस एस एन स्केयर. तो ऐसे ही हम ट्राइंगल लेंगे आर ओ एन, इसमें आ जाएगा आर ओ स्केयर इज इक्वल टू ओ एन स्केयर प्लस एन आर स्केयर सी. देन हम ट्राइंगल लेंगे एम ओ क्यू, तो इसमें भी ओ क्यू स्केयर इज इक्वल टू एम क्यू स्केयर प्लस एम ओ स्केयर. एंड देन हम पी ओ एम लेंगे, इसमें भी ओ पी स्केयर प्लस पी एम स्केयर प्लस ओ एम स्केयर. तो ये हमने फोर ट्राइंगल्स ले लिए हैं. अब देखो जो हमें इस साइड चाहिए ओ पी स्केयर प्लस ओ आर स्केयर, तो देखो यहाँ पे ओ पी स्केयर ये रहा, ओ आर स्केयर ये रहा, ये इन दोनों में प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे. ये सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन को वी विल ऐड. तो ऐड सेकेंड एंड फोर क्या आया, ओ आर स्केयर प्लस ओ पी स्केयर, वो हमें देगा इज इक्वल टू ओ एन स्केयर प्लस एन आर स्केयर प्लस ओ एम स्केयर प्लस पी एम स्केयर. अब देखो दूसरी साइड पे क्या है, ओ क्यू एंड ओ एस स्केयर. अब ये दूसरी साइड पे है, इस साइड पे नहीं है. तो अगर हम इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो वो उधर जाके पॉजिटिव के बन जाएंगे. तो ये ओ क्यू स्केयर वाली इक्वेशन नंबर थ्री एंड ओ एस वाली स्केयर की इक्वेशन नंबर वन, इसको हम माइनस कर देंगे, हमारी जो ये फिफ्थ इक्वेशन आई है. तो सब्ट्रैक्ट वन एंड थ्री फ्रॉम फिफ्थ. तो देखिए ओ आर स्केयर प्लस ओ पी स्केयर माइनस ओ एस स्केयर माइनस ओ क्यू स्केयर, यहाँ पे ओ एन स्केयर इस तरह से हमने लिख दिया. अब जो ये नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा. ऐसे ही नेगेटिव साइन है, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा. सी
लाइक दिस। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओ आर स्केयर प्लस ओ पी स्केयर माइनस ओ एस स्केयर माइनस ओ क्यू स्केयर, बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में कट जाएंगी। ओ एन स्केयर पॉजिटिव ओ एन स्केयर नेगेटिव ओ एन स्केयर से ऐसे ऐसे कट जाएंगी। तो जो ये नेगेटिव वाले हैं हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में बन जाएंगे। तो हैंस प्रूव्ड ओ आर स्केयर प्लस ओ पी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस ओ क्यू स्केयर। आई होप यू लाइक द वीडियो।